We are going to discuss about the preservation of industrially important माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो प्रिजर्वेशन से मतलब क्या है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करके रख रहे हैं इन सच अ वे कि उनमें कोई कंटामिनेशन ना आए, वो जेनेटिकली स्टेबल रहे एंड वो वाइबल रहे। सो द फर्स्ट मेथड इज पीरियोडिक ट्रांसफर टू द फ्रेश मीडियम और यू कैन से सब कल्चरिंग। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सपोज करो कि हमारे पास कल्चर है, ये हमारे पास क्या था, माइक्रोबियल कल्चर था, इसमें ग्रोथ आ रखी है। अब हम क्या करेंगे, इसका सब कल्चर करेंगे, मतलब कि यहाँ से हम कॉलोनीज़ को उठाएंगे एंड आप इसका स्ट्रीक प्लेट कर दो या पोर प्लेट कर दो या फिर स्प्रेड प्लेट कर दो। तो अब हम यहाँ से इसका क्या कर देंगे, सब कल्चर कर देंगे, यानी कि इसको सपोज करो कि ये हमारी बैक्टीरियल कॉलोनी है, इसको हमने उठाया और एक फ्रेश मीडियम के ऊपर उसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये हमारा क्या है, फ्रेश मीडियम, फ्रेश अगर, तो ये हमारा कल्चर मीडियम, फ्रेश मीडियम के ऊपर हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। फिर हम उसको इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस 24 to 48 आवर्स। उसके बाद इंक्यूबेशन के बाद जब आप देखोगे ये जो आपकी प्लेट है उसके ऊपर ग्रोथ क्या है, कम है एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर पेरेंट प्लेट। सो अब ये हमारा क्या है, न्यू कल्चर और द प्योर कल्चर। सो प्योर कल्चर टेक्निक्स का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ अब क्या होगा कि यहाँ पे आप इसका फिर से सब कल्चर करते रहोगे, हम पीरियोडिकली बार बार ही आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 2 हफ्ते हो गए तो आप फिर से आपको उसका सब कल्चर करना पड़ेगा। सो अब इससे क्या होता है, हम सब कल्चर कर ही क्यों रहे हैं, देखो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस कल्चर के अंदर ग्रो हो रहे हैं, जैसे वो ग्रो करते हैं तो वो कल्चर मीडिया को यूटिलाइज करना शुरू करते हैं, उसके ऊपर फीड करते हैं। तो अब जब आपका एक्सपोनेंशियल फेज आता है तो वहाँ पे क्या हो जाती है, पॉपुलेशन डबल हो जाती है। अगर आपने माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व का लेक्चर नहीं देखा है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जब हम एक्सपोनेंशियल फेज में आते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं मैक्सिमम रेट पे एंड वो कल्चर मीडिया को यूटिलाइज करना शुरू करते हैं। फिर आता है आपका स्टेशनरी फेज, जहाँ पे कि नंबर ऑफ लिविंग सेल्स बन जाते हैं इक्वल टू द नंबर ऑफ डाइंग सेल्स। तो अब एक टाइम ऐसा आता है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जो कल्चर मीडिया वो एग्जॉस्ट होता जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स कम होते जाएंगे एंड देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द मीडिया, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डाई होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि न्यूट्रिएंट जो है वो कम अवेलेबल रह जाएगा और जो टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो मीडिया के अंदर बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ डाइंग सेल्स जो है वो बढ़ते जाएंगे एंड देन यू विल सी अ वेरी शार्प डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियाज। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उनको सब कल्चर कर रहे हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, सब कल्चर कर रहे हैं ताकि वो वाइबल रहे। मतलब मीडियम की तो दिक्कत आ रही थी यहाँ पे, न्यूट्रिएंट्स जब लिमिटेड हो गए थे और टॉक्सिक वेस्ट जनरेशन एक्यूमुलेशन होनी शुरू हो गई थी तभी तो वो डाई होना शुरू हो जाते हैं बैक्टीरियाज। लेकिन हमने क्या किया, उनको न्यूट्रिएंट डिप्लीशन से पहले ही उनको फ्रेश मीडिया दे दिया उनकी ग्रोथ के लिए। सो इसलिए इस टेक्निक से आप क्या कर सकते हो, माइक्रोब्स को प्रिजर्व करके रख सकते हो। लेकिन इसका ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आपको उसको बारी बारी बार बार करना पड़ेगा रिपीटेडली, लाइक 2 हफ्ते हुए फिर आपको दोबारा से सब कल्चर करना पड़ेगा, तो आपको सब बार बार ही करना पड़ेगा। सो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट जेनेटिकली स्टेबल, मतलब कि जो डिसएडवांटेज है इसकी वो ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जेनेटिकली स्टेबल नहीं रहते हैं, वो कॉन्टैमिनेशन फ्री भी नहीं रहते हैं, और इसके डिसएडवांटेज है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के अंदर उनके फिजियोलॉजिकल जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स जो है वो चेंज हो सकते हैं फ्रॉम दिस मेथड, तो ये क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि काफ़ी ज़्यादा चीप मेथड है, यहाँ पे कोई आपको स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जो सेकेंड हमारे पास मेथड है प्रिजर्वेशन का, दैट इज़ ओवरलेइंग कल्चर विद मिनरल ऑयल। अब हम मिनरल ऑयल की हेल्प से, मिनरल ऑयल जैसे कि पैराफिन ऑयल का आप यूज़ कर सकते हो, तो अगार स्लांट जो है
ये हमारा क्या हो गया, दिस इज़ द अगार्स लैंड. अगार्स लैंड जिसके अंदर क्या है, माइक्रोब्स हैं. तो अगार्स लैंड के 1 सेंटीमीटर ऊपर हम क्या करते हैं, पैराफिन ऑयल ऐड करते हैं. सो यू हैव टू कवर दिस विद मिनरल ऑयल टू अ डेप्थ ऑफ 1 सेंटीमीटर अबव द टॉप ऑफ योर स्लैंड, अगार्स लैंड. अब ये जो ऑयल हमने लगाया है, इससे क्या होगा, जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, मतलब इन्वायरमेंट से जो माइक्रोब्स हैं, वो इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ऑयल जो है वो एक तरीके का बैरियर की तरह काम कर रहा है. सो यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है, दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट जेनेटिकली स्टेबल, दे आर नॉट कंटेमिनेशन फ्री कम्प्लीटली. अब बिल्कुल कंटेमिनेशन फ्री तो नहीं है, क्योंकि जो देर आर चांसेस कि एयरबोन कॉन्टेमिनेशन हो जाए ड्यूरिंग सब कल्चर. जब सब कल्चर करोगे तो हो सकता है उस टाइम पे जो है कॉन्टेमिनेशन आ जाए. बाकी यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वाइबल रहते हैं. यहाँ पे क्या रहते हैं, वाइबल रहते हैं. वाइबल मतलब सक्सेसफुली सर्वाइव करने की जो एबिलिटी है, दैट इज़ वाइबिलिटी. नेक्स्ट जो हमारा प्रिजर्वेशन मेथड है, दैट इज़ स्टोरेज इन द स्टेराइल सॉइल. अब ये किसके लिए है, जो स्पोर फॉर्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे फंगस है, उनके लिए है ये. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो स्पोर सस्पेंशन है वो क्रिएट करते हैं. पानी के अंदर जो स्पोर्स हैं उनको मिला के हमने स्पोर सस्पेंशन क्रिएट कर ली. अब वो जो अपना स्पोर सस्पेंशन बना है उसको हम कल्चर प्रोवाइड करेंगे, कल्चर के अंदर डाल देंगे, कल्चर बॉटल जो होती है हमारी. अब ये जो कल्चर बॉटल है, सपोज़ करो कि ये हमारी क्या है, कल्चर बॉटल है, इसके अंदर हमने सॉइल भरा हुआ है. अब ये जो सॉइल है, दैट इज़ ऑटोक्लेव्ड लोम्ड सॉइल. ऑटोक्लेव करा है मतलब कि हमने उसको अच्छे से, जो भी कॉन्टेमिनेशन है ताकि उसमें ना आए, स्टरलाइज्ड है मतलब ये सॉइल. और यहाँ ये जो सॉइल हम यूज़ करें, ये 20% मॉइस्चर है इसके अंदर बस. सुबह हम क्या करेंगे, जो हमारा स्पोर सस्पेंशन है उसको हमने कल्चर बॉटल के अंदर डाल दिया, जिसके अंदर क्या है, सॉइल है. अब हम क्या करते हैं, फंगल ग्रोथ इज़ अलाउड फॉर फ्यू डेज़, कुछ दिनों के लिए उसके अंदर फंगस की ग्रोथ होने देंगे, एंड फिर उसको हम स्टोर कर लेंगे रेफ्रिजरेटर के अंदर. मतलब वो जो बॉटल्स हैं उनको फिर हम रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर कर लेंगे. अब फंगी, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो, राइजोपस हो गया, एस्पर्जिलस और पेनिसिलियम. इन फंगी को आप क्या कर सकते हो, प्रिजर्व करके रख सकते हो बाय दिस मेथड. अब इसकी एडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वायबल रहता है, जेनेटिकली स्टेबल भी रहता है, फ्री ऑफ कंटामिनेशन भी रहता है. बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये यूनिवर्सल प्रोसेस नहीं है, मतलब कि सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के लिए आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो. इट इज़ जस्ट फॉर सम फंगस. फंगस में भी ओनली जो माइसीलियम फंगस है उनके लिए ये होता है. नेक्स्ट मेथड इज़ सेलाइन सस्पेंशन. सेलाइन सस्पेंशन में हम क्या करेंगे, नॉर्मल सेलाइन का यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अदरवाइज अगर हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है तो दैट इज़ इनहिबिटरी फॉर द माइक्रोब्स. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया को या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम किसके अंदर डालेंगे, 1% सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर डालेंगे. 1% जो अपना नॉर्मल जो सेलाइन है, दैट इज़ 1% NaCl सोल्यूशन. ये हमारी स्क्रू कैप बॉटल्स के अंदर होता है, उसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल देंगे. सो अब ये डालने से हमें क्या होगा कि इवेपोरेशन नहीं होएगी. रूम टेम्परेचर पे करना है आपको ये काम, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से जो अपना सेलाइन सस्पेंशन है वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो, एंड उसको अगार्स लैंड बना सकते हो और इनक्यूबेट कर सकते हो. नेक्स्ट मेथड इज़ ड्राइंग इन वैक्यूम. ड्राइंग इन वैक्यूम जो है, यहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को ड्राई करते हैं ओवर अ केमिकल इंस्टेड ऑफ एयर ड्राई. हम क्या कर रहे हैं, एक केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कैल्शियम क्लोराइड. सो सेल्स आर पास ओवर द कैल्शियम क्लोराइड इन अ वैक्यूम एंड देन दे आर स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर. माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो है वो काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव कर पाते हैं, मतलब प्रिजर्व्ड रहते हैं. और ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जो वैक्यूम वाला है, जो स्पोरुलेटिंग
स्पोरुलेटिंग, माइसीलियल माइसीलियल ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि आपका फंगस जो है उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है सिलिका स्टोरेज। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट प्रिजर्वेशन टेक्निक, विच इज़ सिलिका जेल स्टोरेज। अब जो सिलिका जेल स्टोरेज है वो बैक्टीरिया के लिए भी हो सकता है, वो फंगी के लिए भी हो सकता है, दैट इज़ यीस्ट के लिए भी हो सकता है उसकी प्रिजर्वेशन के लिए। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइनली पाउडर्ड हीट स्टरलाइज्ड सिलिका पाउडर मिक्स विद द सिक सस्पेंशन ऑफ द माइक्रोबियल सेल्स एट लो टेम्परेचर। बेसिक प्रिंसिपल इज क्विक डेसिकेशन एट लो टेम्परेचर विच अलाउज द सेल टू रिमेन वायबल फॉर अ लॉन्गर पीरियड। मतलब एक से दो साल तक जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड रहते हैं, वायबल रहते हैं, एंड बैक्टीरिया के लिए भी कर सकते हो, फंगी के लिए भी कर सकते हो। सो सैक्रोमाइसिस सर्विसे, ईकोलाय, एस्पर्जिलस, इन सभी स्पीशीज़ को आप प्रिजर्व करके रख सकते हो यूजिंग द सिलिका जेल स्टोरेज। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है दैट इज़ लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन से, जिसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी बोलते हैं, तो हमें क्या करना है इस टेक्निक में, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेशनरी फेज सेल्स लेने हैं। देखो ग्रोथ कर्व जब हमने पढ़ा था तो ग्रोथ कर्व में इस तरीके से होता है, और ये क्या होता है अपने पास, दिस इज़ लैग फेज, देन लॉग फेज, एंड दिस ब्लू वन इज़ द स्टेशनरी फेज, और फिर नीचे आ जाता है डेथ फेज। तो हमें स्टेशनरी फेज के सेल्स को लेना है। सो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कलेक्ट करने हैं जो स्टेशनरी फेज में है। स्टेशनरी फेज में क्यों, क्योंकि उस टाइम पे जो माइक्रोब्स होते हैं वो मैक्सिमम रेजिस्टेंट होते हैं टू ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेस। तो अब हम स्टेशनरी फेज के हमने माइक्रोबियल सेल्स ले लिए, बैक्टीरियल सेल्स या जो भी माइक्रोबियल सेल्स, उनको ले लिया। उसके बाद आप उनको किस में सस्पेंड करोगे, क्रायो प्रोटेक्टेंट मीडियम के अंदर उसको डालोगे। क्रायो प्रोटेक्टेड मीडियम जो कि आप 10% ग्लिसरॉल या फिर DMSO विच इज़ डाईमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, जिसका फुल फॉर्म है, उसके आप डाल सकते हो। और ये किसके अंदर होते हैं, एम्प्योल्स क्या होता है। सो इस तरीके की छोटी छोटी सी अपने पास ट्यूब्स होती हैं जिनको हम एम्प्योल्स बोलते हैं। अब ये जो एम्प्योल्स होते हैं इनके अंदर क्या है, क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट जो अभी मैं आपको बताई थी विच इज़ 10% ग्लिसरॉल या फिर डाईमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, इनके अंदर हम क्या करते हैं, अपना जो माइक्रोबियल कल्चर है उसको हम इसके अंदर डालेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनके अंदर डालेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट्स के अंदर डालना है, और ये सील्ड एम्प्योल्स हैं। अब इन सील्ड एम्प्योल्स को हम लिक्विड नाइट्रोजन में ट्रांसफ़र कर देंगे। सो अब हम इनको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसका टेम्परेचर क्या रहता है, -196°C। सो ये जो टेक्निक है दिस इज़ सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन। एंड कितने साल के लिए वायबल रहते हैं माइक्रोब्स, 10 to 30 years के लिए। एंड इसका बेनिफिट ये है कि यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जेनेटिकली स्टेबल रहेंगे, ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी मेंटेन हो गई, कॉन्टैमिनेशन फ्री रहेंगे। बट इसका डिसएडवांटेज है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू दी अदर मेथड्स जो हमने पढ़े थे ऊपर, जैसे सब कल्चरिंग है वो तो काफ़ी ज़्यादा चीप है, उसमें चाहिए ही क्या, बट ये उसके कंपैरिजन में थोड़ा एक्सपेंसिव है। नाउ नेक्स्ट मेथड इज लायोफाइलाइजेशन, जिसको हम फ्रीज ड्राइंग बोलते हैं। अब ये बेस्ट मेथड है, अभी तक जो भी हमने मेथड पढ़े सबसे ज़्यादा बेस्ट जो मेथड है दैट इज़ लायोफाइलाइजेशन। लायोफाइलाइजेशन जिसको हम फ्रीज ड्राइंग भी बोलते हैं। अब फ्रीज ड्राइंग नाम से पता चल रहा है कि पहले तो हम फ्रीज़ करेंगे और उसके बाद हम ड्राई करेंगे, तो दो स्टेप है, पहला फ्रीजिंग और फिर ड्राइंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू स्टेशनरी मैक्सिमम स्टेशनरी फेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपको मैक्सिमम स्टेशनरी फेज तक कल्चर करना है, क्योंकि स्टेशनरी फेज में क्या होता है कि ऐसा पॉइंट आ जाता है जब वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दे विल बी मैक्सिमम रेजिस्टेंट टू ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेस।
उसके बाद आप क्या करोगे, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करोगे एंड सस्पेंड इन अ प्रोटेक्टिव मीडियम. प्रोटेक्टिव मीडियम जैसे कि सीरम, स्किम्ड मिल्क और ग्लिसरॉल, इनको बोलते हैं लायो प्रोटेक्टेंट. लायो प्रोटेक्टेंट. अब जो अभी हमने लिक्विड नाइट्रोजन के केस में पढ़े थे वो क्या थे, क्रायो प्रोटेक्टेंट, और ये क्या है, लायो प्रोटेक्टेंट. अब ये जो लायो प्रोटेक्टेंट हम ऐड क्यों कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव मीडियम, नाम से पता चला प्रोटेक्ट कर रहे हैं. किस चीज़ से प्रोटेक्ट करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, अभी मैंने ऊपर बताया था कि इसका प्रोसेस का नाम क्या है, फ्रीज ड्राइंग. तो हमें फ्रीज करेंगे और फिर ड्राई करेंगे. तो जब आप फ्रीज करोगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कोई फ्रीजिंग डैमेज ना आए, फ्रीज करते हुए उनको कोई डैमेज ना हुए, तो इसीलिए हम ये प्रोटेक्टिव जो मीडियम है उसके अंदर उनको डालते हैं. सो ट्रांसफर टू द ग्लास एम्प्योल्स, जो अभी मैंने आपको दिखाया था ग्लास एम्प्योल्स. सो दीज आर द एम्प्योल्स. फ्रीज टू -80°C. अब फ्रीजिंग का स्टेप हो गया. सेकेंड स्टेप क्या था, ड्राइंग. अब हम क्या करेंगे, आफ्टर फ्रीजिंग वी विल अप्लाई वेरी हाई वैक्यूम विच विल सक ऑल द वाटर फ्रॉम द आइस विदाउट हैविंग अ लिक्विड फेस. मतलब कंप्लीट जो है वो जो भी उसके अंदर मॉइस्चर था वो सारा जो है डिहाइड्रेट हो जाएगा, सारा जो मॉइस्चर है वो ख़त्म कर देगा. ड्राइंग का मतलब ही क्या है, मॉइस्चर को उड़ा देना, ठीक है. तो एक बार ये ड्राई हो गया अच्छे तरीके से, उसके बाद सील कर लेते हैं उसको और फिर स्टोर कर लेते हैं. अब दिस इज़ वाइबल. अब ये जो लाइफलाइजेशन का प्रोसेस है, इससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको आप प्रिजर्व करके रख सकते हो 30 साल से भी ज़्यादा सालों तक, टाइम तक आप उसको प्रिजर्व करके रख सकते हो. एंड यहाँ पे वायबिलिटी तो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो जेनेटिकली स्टेबल भी रहेंगे, कंटेमिनेशन फ्री भी रहेंगे, इजी टू ट्रांसपोर्ट है. फ्रीज ड्राइड जो अपने एम्प्योल्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा आसान है ट्रांसपोर्ट करना, छोटे से साइज़ के होते हैं और दूर तक भी आप, दूर दूर जगहों पे भी, फार प्लेसेस पे भी आप उनको, लार्ज नंबर ऑफ एम्प्योल्स को बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस में ले जा करके ट्रांसपोर्ट कर सकते हो. क्योंकि साइज़ छोटा है भाई तो ट्रांसपोर्ट जो है ईजी है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ दिस वीडियो वॉज़ हेल्पफुल देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस आए वो आपसे मिस ना हो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.